यशोमती मैया के नंदलाला। गौपालक कम है और गैयाएं अधिक है। अभी कली वन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गोपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी, फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौपालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसो करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और काना अनुशासन भी सीख पाएगो और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ, तुम बताओ मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने, ये भी मना कर रही है। बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर ये तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना? आप तो जानते हो, आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, तब मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर ये तो और भी अच्छा है ना चिज्जी, एक बार जब पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगो। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है टीका ही सोचती है। और तू सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चला आयो? ताकि पढ़ाई ना आरंभ करनी पड़े, इसीलिए ना? पर मैया मुझे बहाने मत ही बना, चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने की बात किसी को बताने की सोचो भी मती। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा। जानकी, सुन। कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाऊं। शीघ्र समझ जाएगा। जैसे क से केला। समझ गई भाभी, वर्णमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले। अभी लिख रहा हूं। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत ही करना। समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है लल्ला। जा, जाके स्नान की तैयारी कर। जा। वहीं ठहरो। मिल गई। बस ही पंखुड़ी।
और ये मिल गई ख से घंटी। अरे फूला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया। बस से बेलन कस्तूरी। अरे अरे क्या कर रही है, मैं आज ही हाथ से लाई हूँ। तो तू दूसरी ले ले, मुझे कान्हा की पढ़ाई के लिए वस्तु इकट्ठी करनी है। हाँ कान्हा की पढ़ाई के लिए? हाँ आज जसोदा भाभी कान्हा की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताया है, किसी और को मत ही बताना। चल। मैंने केवल आप ही को बताया है भाभी, आप किसी को मत बताना। किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला बता, तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया? लल्ला तुझे क्या और कौन का अंतर पतो है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू? बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था, लड्डू कहीं का। यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो, तुम कौन हो जी? वो अच्छा भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें, भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंधी है, जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलतो है, जितने मामा ना है। यशोदा जी जी, औषधि है का? देखो ना कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है, रुक रुक। चेले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगो, मेरे यहाँ समाप्त हो गो है। ठहर अभी लाई। चेले, यशोदा भाभी, यशोदा भाभी, वो तनिक हल्दी मिलेगी, वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ ठहर अभी लाई। जशोदा जीजी, जशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। जी कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना जी,
बताओ भाई, सच्ची सच्ची बोलो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आई हूँ यहाँ? मैं बताऊँ भैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। पर तुम्हें किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है, मैं समझ गई जी किसकी करनी। क्षमा करो भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आई। अब इन्हें साथ लो और जाओ। जशोदा हमें भी तो देखने दो, तुम काना को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी मान जाओ ना। मैया आप तो जानती हो ये सारी गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती है और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियाँ भी प्रिय हैं इसे, तो कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया, इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ नहीं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ क्यों ना पढ़ा पाऊंगी। अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, जे तो बड़ो चतुर हो गए हो। लल्ला अब इससे पहले कि हम आरंभ करें हमें बुद्धि दाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेश नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की, जय हो। जय जय हो। कैसी लीला है प्रभु, भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया अभी तो मुझे विद्या मिली ना है, जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर।
और मैया मुझे ठीक से स्मरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो। अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार, इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ ओ हम आहा। तुझे कैसे पता? आप ही ने तो सिखाया है मैया। मैंने कब? कल रात से सिखा रही हूँ आप, रात को सोने से पहले। आप यही तो बोल रही थी, सुबह उठते ही फिर से डर आने लगी, और तो और स्नान कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं, इसके बाद का ना तो मैया। तो क्या होगा, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गयो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया, टुकताऊ तो गौपालक बन भी जाएंगे। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलानो होता है। मैं बता तू, जेले डाल, बस अभी इसमें से चारा निकालो। गुड। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। ला। इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पकड़। और फिर इसे चारे में मिलायो जातो है। हो गयो, जा गैयाओं को खिला दे। ये तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे हो छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊं क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है, हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती। एक बार पुनः प्रयास करो। लो अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया इन्हें। काना, तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घर से घर। घर से घर।
अद्भुत लीलाधर की लीला, अद्भुत इनके रंग, स्वयं ब्रह्मा आज सीख रहे हैं। ख ग 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